मैं राजीव सर, आज आपके लिए हम स्क्वायर रूट का क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू। काफी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होता है, तो पहले समझना है कि वर्गमूल निकालने के तरीका। तो आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 20 तक। कितना तक स्क्वायर होना चाहिए? कम से कम 20 तक याद होना चाहिए बाबू। अब आते हैं पॉइंट पे। अगर हम जैसे एक का स्क्वायर करते हैं तो एक आता है, दो का स्क्वायर करते हैं तो चार आता है, तीन का स्क्वायर करते हैं तो नौ आता है, और चार का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और पाँच का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और छः का स्क्वायर करते हैं तो 36, और 7 का 50, 8 का 64, और 9 का 81। ये बेसिक समझने के लिए हम लिख रहे हैं। कम से कम 20 तक आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दें, एक का स्क्वायर एक हो गया। फिर यहाँ पे ध्यान देना है कि जिसके अंत में एक होगा तो क्या क्या आएगा, एक और नौ। ध्यान देना है, जिसके अंत में चार होगा तो यहाँ होगा चार, किसका होगा तो ध्यान देना है, दो का स्क्वायर करेंगे तब और आठ का स्क्वायर करेंगे, पांच रहे तो बल्ले बल्ले हैं बाबू, और छः रहे तो यहाँ पे छः हो जाएगा और एक हो जाएगा चार का स्क्वायर, चार और छः हो जाएगा। क्लियर है? चार और छः हो जाएगा, और नौ रहेगा तो तीन और कितना रहेगा, सात रहेगा। इसको थोड़ा नोट आउट कर लेना है, और उसके बाद स्पेशल रूल्स भी लिख लेना है कि जिसके अंत में किसी संख्या, ऐसे लिख लेना है, किसी संख्या के अंत में दो हो, तीन हो, सात हो एवं आठ हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग क्या है? नहीं होगा बाबू। पूर्ण वर्ग क्या है? नहीं होगा। ध्यान देना है, जिस संख्या के अंत में दो हो, तीन हो, चार हो और सात हो, चार नहीं, दो तीन सात आठ हो, तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो। क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण क्या हो, वर्ग हो। तो नंबर वन 25, 30, नंबर टू यहाँ पे लिख देना है 2704, और नंबर थ्री में है 72, 25, और यहाँ पे नंबर चार में है 2752। तो यहाँ पे ध्यान देना है, हमने बताए थे कि दो हो, तीन हो, सात हो, आठ हो, तो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा जिसके अंत में होगा। तो यहाँ देखो बाबू, ये भी है किसी का वर्गमूल, ये भी है वर्गमूल, ये भी है, लेकिन जिसके अंत में दो आ जाए वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा कौन नंबर? चार नंबर। पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो इसमें होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका कितना होगा? चार नंबर। ऑप्शन क्या होगा बाबू? चार नंबर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब इससे रिलेटेड इसको थोड़ा लिख लीजिए, नोट आउट कर लीजिए, तो आपके लिए काफी समझ में आएगा बाबू। अगला देखिए, अब इसको हम मिटा दें। अब यहाँ पे मिटाने के बाद हम आपको वर्गमूल कैसे निकाला गया वो आपको बताएंगे बाबू। ध्यान देना है, जिसके अंत में दो हो, तीन हो, सात हो, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान देना है, जिस 30, 25 लिख दिए, दूसरा 108, 16 फिर लिख दिए 98, 01 फिर लिख दिए बाबू 2704। और बताना है कि इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए, उसको ध्यान देना है बाबू। जिसके अंक सबसे दाहिने साइड से दो अंक, दाहिने साइड से क्या अंक लेंगे? दो अंक देंगे। अब इसके इकाई में कितना अंक दिया है? पाँच, तो पाँच तो अकेला ही है तो पाँच होगा। अब ये देखना है कि 30 किसके स्क्वायर के पास है, तो पाँच का स्क्वायर करते हैं तो 25, और 6 का करते हैं तो 36। तो पाँच के स्क्वायर के पास है, 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पाँच में एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30। अब यहाँ दोनों इक्वल है 30 है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55। अब फिर से देखो, 6 वाला में बताया गया था कि 4 और 6 होगा,
तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। अब देखना है कि 108 किसके स्क्वायर के पास में है। अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। तो यहाँ 10 आएगा बाबू और 10 में एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 104 भी हो सकता है कुछ हो, लेकिन गुना करेंगे एक बढ़ाकर तो 110 हुआ। इसके अंदर में 108 है, 100 बाहर में है, तो छोटा वाला 108 है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 100 कितना, 4। फिर ध्यान देना है इसके अंत में 1 हो तो 1 बताए थे और 9 हो तो 98 जो है 9 के स्क्वायर के पास है, तो यहाँ भी 9 होगा। तो यहाँ भी 9 लिख देंगे, यहाँ 9, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 90 है तो यहाँ 98 अटवाते वाला है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान देना है जिसके अंत में क्या है कि 2 4 हो, तो बताए थे कि 2 और कितना होगा, 8। तो लिखना है 2 होगा, फिर कितना आएगा, 8 होगा। 2 और कितना आएगा, 8 होगा। अब देखना है किसके पास में है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 5 और 5 लिख लेंगे, 5 में 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर में छोटा वाला है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से वर्गमूल में क्या होता है। अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसको नोट आउट कर लीजिए पहले, और ये क्वेश्चन इससे कैसे आता है वर्गमूल का, वो ध्यान देना है बाबू। अगला पॉइंट से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में ऐसे रहता है, दशमलव का एक क्वेश्चन रहता है बाबू कि यदि करके देता है, यदि 2704 कितना रहेगा, 2704 बराबर 52 हो गया, तो आपको दशमलव में जोड़ना होता है कि 2704 ऐसे दशमलव में दे दिया जाएगा, फिर 00 2704 कर देगा बाबू और फिर लिख देगा 2704। इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो इसमें क्या करना है, ये 52 का है वर्गमूल तो ठीक है, लेकिन दशमलव के 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखना है 52, लिखने गिनना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा 3 हो गया, तो 52 का आधा में इसको 3 के बाद दशमलव करेंगे, इसमें दशमलव है ही नहीं, और इसको 52 लिख देंगे, जोड़ कर जो आएगा वही उसका क्या है, आंसर होगा। अगले वीडियो में आपको हम कुछ भी बनाएंगे, ठीक है, बाय बाय।